संदिग्ध परिस्थितियों में नदी के किनारे मृत मिले युवक की मौत का राज लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म कबूल किया। पुलिस उसके बाद कोर्ट ने आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित ग्राम सिगड्डी में नदी के किनारे प्यारेलाल संदिग्ध परिस्थितियों में मरा मिला था और 16 जनवरी को मृतक के भाई चमनलाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक भी जाहिर किया था। 16 तारीख को यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और चूंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रसी, पता रसी और सर्वे लाइन्स के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था, जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगात्री हरियाणा से